दोस्तों, अगर आज मैं आपसे कहूं कि अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दिया जाए जिस अपॉर्चुनिटी से आप जो है उस कंपनी के सीएमडी से ज़्यादा मंथली इनकम कर सकते हैं और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, तो ये बिजनेस आपके लिए कैसा होगा? दोस्तों, ये बिजनेस बेसिकली इंडिविजुअल बिजनेस है, मतलब आप जो है सिंगल तौर पर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और ये अपने घर से कहीं भी रहें, भारत के किसी भी कोने में रहें, आप वहां से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड इसी के बारे में होने वाला है और मैं इसी तरह के एक बिजनेस के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं स्टार्टअप थर्टी यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये बिजनेस कैसा है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे करूंगा एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके बाद से जितनी भी वीडियोस आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये बात है LIC के इंश्योरेंस एजेंट की। अब आप बात करेंगे कि LIC के इंश्योरेंस एजेंट के बारे में जानकारी मुझे कहां से मिली, तो मैं आपको बताऊं कि ये मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मेरे पेरेंट्स, जो मेरे फादर के साथ है और वो LIC में एजेंट हैं और उनके बेस पर जो ये जो फीडबैक है उनके फीडबैक के बेस पर आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, वो भी आपके लिए। तो दोस्तों, यहां पर करना यह है कि आपको जो है किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है। एक, आपके पास मार्केटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो पॉलिसीज हैं उसको सेल करना आना चाहिए, और दूसरा जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है वो ये होता है कि आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अब बात करेंगे इसमें कि कितना इनकम हो सकता है, तो मैं आपको एक मोटे तौर पर बताता हूं कि यहां पर ऐसे भी लोग हैं जो CMD, जो इसकी कंपनी के, जो LIC की जो CMD हैं, उनकी सैलरी अप्रॉक्स 8 से 9 लाख रुपए मंथली के अराउंड मानी जाती है। लेकिन अगर आप बात करेंगे उनसे ज्यादा सैलरी कमाने की, तो आप इस प्रोफेशन के साथ जुड़ करके कमा सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि यार, अगर हम इसके साथ काम करते हैं तो फिर कहीं ऐसी तो नहीं कंपनी भाग जाएगी या इससे हमें प्रॉब्लम हो जाएगी एंड ऑल दैट। सो दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है वो कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथराइज वेंचर है, LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके लिए आपको करना क्या होता है, अगर आप एज एजेंट जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना होता है? सो एज एजेंट जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको अपने नियरेस्ट LIC ऑफिस में जाना पड़ता है और वहां पर सर्च करना पड़ता है कि वहां पर डेवलपमेंट ऑफिसर कौन सा बंदा है, और उससे कनेक्ट करना होता है। फिर वो जो है आपसे बेसिक रिक्वायरमेंट लेता है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होती क्या है, इसके बाद से आपके पास स्किल सेट है कि नहीं, क्या आप उस टारगेट को अचीव कर पाते हो कि नहीं, उस तरह की तमाम चीज़ों के बारे में वो जो है थोड़ी सी एक इंटरव्यू प्रोसेस चलती है और उसके बाद से ये जो जॉब है ये आपको ऑफर कर दिया जाता है। ये किस किन 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 लोगों के लिए बेटर है, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है और फिर भी आप करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास जॉब है और आपके पास अच्छा प्रोफेशनल नेटवर्क है तो ऐसे में भी ये आपके लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में और डिटेल में जानकारी कि इससे अगर आप एजेंसी लेते हैं तो इसके अलावा आपको क्या बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि LIC एजेंट लेने के बाद से कुछ फिक्स टारगेट पूरे होने करने होते हैं और उस फिक्स टारगेट को पूरा करने के बाद से आपको जो है कुछ क्लब्स की एंट्रीज दी जाती है। जैसे इसमें बता दूं कि आपको जो है BM क्लब से लेकर के DM क्लब, CM क्लब, TOT क्लब एंड CUT क्लब, ये कुछ क्लब्स होते हैं जिसमें आपको ज्वाइन कराना होता है। और जैसे ही आपके रीच इस क्लब में हो जाती है तो उसके बाद से यहां पे जो क्लब की बेनिफिट जो है वो भी आपको एडिशनल में मिलता है। और इस बेनिफिट में मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा आप जो है कोई ऋण अगर LIC से लेते हैं तो उसमें भी आपको काफी सुविधा मिलेगा। इसके अलावा दो पहिए चार पहिए गाड़ी जो है वो भी आपको ऋण पर मिलती है, आप जो है उस इंश्योरेंस से ले सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको ऋण ब्याज देने की जरूरत नहीं होती है, मतलब बिना ब्याज के आप जो है LIC से ले सकते हैं और आपके जो पैसे हैं वो डिडक्शन धीरे 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 LIC कर ले जाएगी। इसके अलावा जो पेट्रोल खर्च हो गया, मोबाइल खर्च हो गया, ये जो क्लब मेंबर्स जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो ये भी चीज आपको एडिशनल में मिलता है। दोस्तों, इसके बाद मैं बात करूंगा कि इसमें कमीशन की क्या परसेंटेज है। तो कमीशन में आपको जो मैं बताऊं कि कमीशन बहुत ज्यादा बहुत और कंपनियों की तरह तो इसमें नहीं मिलता है जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, लेकिन यहां पर सिक्योरिटी की वजह से जो कमीशन होती है वो इनिशियल स्टेज में ज्यादा होती है। मैं फिक्स नहीं बताऊंगा, फिक्स आप जाइएगा वहां से पूछिएगा तो वो आपको डिटेल में जानकारी देंगे। और कुछ कमीशन होती है, फिर वो कमीशन रिड्यूस होती है और फिर रिड्यूस होने के बाद से जब तक वो पॉलिसी चलती रहती है
तब तक आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिलता रहता है। मतलब सबसे कमाल की चीज़ यहाँ पर यही है कि आपने एक बार ज्वाइन कराया किसी बंदे को, LIC का प्रीमियम सेल किया किसी बंदे को, और वहाँ से आपको जो है हर बारी कुछ ना कुछ आपको जो है वो मिलता रहता है। सो इस तरह से अब आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास जॉब नहीं है, अगर आपके पास जॉब है लेकिन आपके पास मार्केटिंग स्किल अच्छा है और आपके पास प्रोफेशनल नेटवर्क अच्छा है, तो आप LIC में आप आ जाइए, ज्वाइन कीजिए LIC को, और बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे ही जैसे आपके 60 साल पूरे होते हैं तो आपको ग्रेचुअटी के रूप में अच्छी खासी बेनिफिट जो है वो भी मिल जाती है, और एक अच्छा खासा रकम जो है वो मिलता है। इसके बाद भी अगर आप सक्षम हैं कि आप जो है इंश्योरेंस कर सकते हैं तो आप जो है करते रहिए, और आपको जो पेमेंट है वो मिलता रहेगा। मतलब इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार इंश्योरेंस करिए, बस प्रीमियम को ट्रैकन करना होता है। पहले थोड़ा सा टफ होता था, पहले क्या होता था कि कोई प्रीमियम अगर कोई बंदा कराता था या इंश्योरेंस करवाता था तो उससे जो है प्रीमियम कलेक्ट करना होता था और ले जाकर जमा करना होता था, लेकिन आज के टाइम में चूंकि ये सारी सुविधाएं ऑनलाइन हो गई है तो आपके जो कस्टमर हैं वो मोस्टली आपके प्रीमियम को ऑनलाइन ही पे कर देंगे। सो ऐसे में आपको ये कैश वाली बर्डन के लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ है कि ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं है। बशर्ते आपको मैं एक बार फिर से बताऊं, हर वीडियो की तरह मैं आपसे एक बार बोलूंगा कि अगर आपके पास मार्केटिंग स्किल और अच्छी पर्सनालिटी है तो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर आपको बोलना अच्छा है, अगर आपको बोलना आता है और आपको जो है किसी को इम्प्रेस करना आता है और किसी को चीज़ों को बता करके और किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना आता है तो आप इस वेंचर को ज्वाइन करिए, और यहाँ से बेहतर इनकम कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो CMD, जो इस LIC के CMD हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, उससे ज़्यादा सैलरी मंथली ले रहे हैं, उससे ज़्यादा कमीशन ले रहे हैं, उसके डबल से ज़्यादा कमीशन ले रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप इसमें आगे बढ़ते हैं या इसके साथ जुड़ते हैं तो आपको कितनी इनकम हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये ट्रिक और आइडिया पसंद आया और आप इंडिविजुअल तौर पर इसको करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा अपने व्यूज को, और अगर कोई त्रुटि होगी और अगर कोई परेशानी होगी तो आप जो है उसको अपने व्यूज को फिर से भी शेयर करिए, सो दैट कि हम उसको अच्छे से ठीक कर सके और आपके पास अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ आ सके। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय भारत।